करे, जब हमने ये सवाल लोगों से पूछ लिया कि सरकार आखिर क्या करे और किस तरीके से कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाया जा सकता है, आम जनजीवन के इस हो रही क्षति को कैसे रोका जा सकता है, जब इसको लेकर के हमने सवाल पूछा तो लोगों ने सबसे पहले जो बातें कही वो कहा कि नाइट कर्फ्यू की जगह दिन में पाबंदियां लगे, यानी कि जो नाइट कर्फ्यू लगाई जा रही है इससे कोई फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि बिहार में जो जीवन है वो रात्रि वाली नहीं है। यहां कितने भी बड़े शहर हैं लेकिन रातों में लोग सड़कों पर नहीं दिखते हैं, बहुत कम ही लोग सड़कों पर दिखते हैं, तो रात्रि पाबंदियां कुछ असर नहीं कर पाएगी। इसलिए नाइट कर्फ्यू की जगह दिन में सरकार पाबंदियां लगाए तो इसका असर दिखेगा। इसके अलावा लोगों ने कहा कि जो दुकानें रात 8 बजे तक बंद करने की बातें कही गई है उस खुले और उसके बाद 8 बजे के बाद दुकानें बंद होंगी। सरकार ने कहा है कि सुबह 10 जो नाइट कर्फ्यू होंगे वो रात 8 बजे माफ कीजिएगा रात 10 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक होंगे और जो दुकानें होंगी वो 8 बजे तक खुलेंगे। उसके बजाय लोगों का यह कहना है कि जो दुकानें रात 8 बजे तक खुल रही हैं उसे अल्टरनेट डे पर खोला जाए, उसे सिलसिलेवार तरीके से खोला जाए ताकि इसका असर दिखेगा और बाजारों में भीड़ नहीं होगी। इसके साथ साथ जो लोगों ने आगे बातें कही उसमें कहा कि राज्य में साप्ताहिक बंदी अगर सरकार लागू करती है तो इसका असर दिखेगा, कोरोना संक्रमण से बचाव को एक बड़ा कारगर कदम यह कहा जा सकता है। इसके अलावा लोगों ने कहा कि मास्क चेकिंग अभियान को तेज करे सरकार और प्रशासन, क्योंकि मास्क अभियान अगर तेज होगा तभी संक्रमण से बचाव संभव है। इसके अलावा लोगों ने कहा कि जन जागरूकता को सरकार तेज करे और इसे आदेश दे ताकि जो अन्य लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्रों में लोग मास्क पहनना छोड़ चुके हैं वो लोग एक बार फिर से सख्तियां बरते, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगाए ताकि कोरोना से लड़ने में एक बड़ा कारगर चीज वही है और सख्तियां ही सबसे बड़ी वो है। इसके अलावा जो लोग बात कह रहे हैं उसमें लोगों ने यह कहा कि सभी मेलों को और राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी होनी चाहिए ताकि लोगों की भीड़ एक जगह पर ना हो और इसका असर होगा कि जो बीमारी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है ये किसी गली या मोहल्ले में ना फैले ताकि संक्रमण की उस स्थितियों को और बेहतर किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के देखें तो लोगों ने यह कहा है कि जो असर होगा यह पूरी तरीके से बेअसर होगा क्योंकि ये फैसले सही नहीं है, ये लोगों का कहना है, लेकिन आगे सरकार इस पर क्या करती है यह सब कुछ देखना होगा। फिलहाल आपसे निवेदन है, डीटीवी भारत आपसे कहता है कि मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और देखते रहें डीटीवी भारत। नमस्कार। पहले उनको नहीं करना चाहिए, अपने जागरूक करने के लिए, अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए हम लोग को जनता को तकलीफ में डाल रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी राष्ट्र को ही है, सरकार सब निलंबित हो जाएंगे, धीरे धीरे सब पब्लिक सब समझ रहा है, लेकिन लोग रोड पर प्रदर्शन करना शुरू कर देगा।